बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल हैरियत से हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं नमाज़े फजर से। हम क्यों नमाज़ों से मोहब्बत नहीं करते, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा जुर्म है। हमारे पास अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाने का वक्त ही नहीं। आएँ आज मिल के वादा करते हैं कि हमारी आज के बाद कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला हम सबकी किस्मत अच्छी करे। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात जो हैं उनको हल फरमा दे। आमीन सुमामीन। इस वीडियो क्लिप में हसन अली अब डिमांड कर रहे हैं कि मुझे भी मेरा जायनमाज ला के दें। लास्ट ईयर इनके दादी अम्मी और दादा अबू हज पे गए थे, तो हसन अली के लिए वो जायनमाज लेकर आए थे। तो बस वो इसी चीज़ की डिमांड कर रहे थे, साथ साथ में शरारतें कर रहे थे। इसी दौरान मैंने और अली ने नमाज अदा की। उसके बाद हसन अली भी हमारे पास आके बैठ गए। इन्होंने भी दुआ की। दुआ मांगना मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला मेरे बेटे की किस्मत अच्छी करे। अल्लाह ताला मेरे बेटे को कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और उनके सदके मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन सुमामीन ये रब्बुल आलमीन। उसके बाद ये मॉर्निंग वॉक पर हसन अली अब ज़िद कर रहे हैं कि मम्मा अपना मोबाइल उठा लें। उनको नहीं पता कि हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो क्लिप शूट कर रहे हैं। उसके बाद घर आके हम लोगों ने पीटीवी लगाया। पीटीवी पे हम लोग कुरान मजीद की तलावत वगैरह सुनते हैं। आई थिंक सो उन सब लोगों की भी मेमोरीज़ वगैरह रिकॉल हो जाएंगी जो कि 90s के थे। सुबह उठ के हम लोग सुबह सबसे पहले कुरान मजीद की तलावत सुनते थे, उसके बाद दुरूद शरीफ नात वगैरह सुना करते थे। तब दुआ मांगी जाती थी, हबरनामा और कार्टून, और फिर हम लोग स्कूल चला जाया करते थे। मेरी हेल्पर आंटी की आज छुट्टी थी, उनकी कॉल आई कि उन्हें कोई ज़रूरी काम था। फिर मैंने जल्दी से रूम वगैरह सेट किया, खुद फ्रेश हुई, हसन अली को फ़्रेश किया, फ़ातिमा अली को फ़्रेश किया और जल्दी से डाइनिंग टेबल पे नाश्ता रेडी करके लगाया। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे नाश्ता क्यों नहीं करते, ये छोटे टेबल के ऊपर नाश्ता क्यों करते हैं। एक्चुअली हमारा सारा सामान जो है वो अपर पंजाब में है। हम लोग जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए थे तो हम लोग सिर्फ अपने कपड़ों के अलावा और कोई चीज़ नहीं लाए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड व्हाट वी हैव टुडे। आज हसन अली जो थे वो बाबा के साथ ऑफिस जा रहे थे और मैं घर पर ही थी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड जो थी वो कोटद्दू से आ रही थी।